प्रिय श्रोतारः सादरम् अभिवादये तत्र भवतः संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतनेऽस्मिन् अंके श्रोतृजनानां तत्र भवतां संस्कृत रस भरितानां मनः प्रसादाय समुपस्थितोऽस्मि अयम् अहं कार्यक्रम प्रस्तोता स्वस्ति वाचको युवराज भट्टराई प्रियांशः श्रोतारः आयान्तु अस्य जनस्य संचालने संस्कृत साप्ताहिक्याः अस्य भावात्मक मेलनस्य प्रथमे प्रभागे अस्माकं सहयोगिना नरेन्द्र दत्त सेमवालेन प्रस्तुतं सुतरां श्रवणीयं सत्य धर्म प्रतिपादन परं महाभारतीयं सुभाषित श्लोकं कर्णपथम् अवतारयामस्तावत् सत्यस्य वचनं साधु न सत्यात् विद्यते परम् सत्येन धार्यते सर्वम् सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् सत्य बोलना शुभ कर्म है, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। सत्य ने ही सबको धारण किया हुआ है और सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। नूनमेव जीवने सत्य सातत्येन समं नास्ति किमपि महदुपकारकम् अये संस्कृत श्रवण स्वभावाः प्रिय श्रोतारः सम्प्रति प्रसंग श्रवणेच्छुकेभ्यः तत्र भवद्भ्यः तादृशमेव रोचकं प्रातस्मरणीयं प्रासंगिकं श्लोकं प्रस्तौति अस्मत् सहयोगिनी क्रियाशीलवती लता वसिष्ठः प्रातर्नमामि ललिता चरणारविन्दम् भक्तिष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायक पूजनीयम् पद्मांकुशध्वज सुदर्शन लाञ्छनाढ्यम् प्रातर्वदामि ललिता तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्री शांभवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति अयि श्रोतारः वार्ताभिरेव सम्यक्तया प्रकाश्यन्ते सामाजिक क्रियाकलापाः घटनाश्च तर्हि सम्प्रति जगति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रेषु घटित घटनानां वार्ताः प्रस्तौति अस्मदीयः सहयोगी दिव्यानन्द झाः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वियतनाम प्रधानमन्त्रिणा नुएन युआन फुकेन समं अन्तर्जालीय शिखर सम्मेलने सहभागित्वम् अवहत् उभो नेतारो द्विपाक्षिक सम्बन्धान् क्षेत्रीय वैश्विक विषयांश्च अभिलक्ष्य सविस्तरं परिचर्चितवन्तौ उभयोर्देशयोः मध्ये महत्वपूर्णाः सप्तसन्धयः जाताः प्रधानमन्त्री अवादीत् यत् देशः सम्प्रति तस्मिन् मार्गे अग्रेसरति यत्र प्रत्येकः नागरिकः कमपि भेदभावं विना विकासावसराणि प्राप्नोति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य शताब्दी समारोहं दृश्य श्रव्य संवाद तंत्र माध्यमेन संबोधयता तेन देशवासिनः आत्मनिर्भर भारताभियान माध्यमेन नव भारत निर्माणाय सम्भूय कार्याणि अनुष्ठातुम् अध्यर्थिताः केन्द्र शासनेन वस्तु सेवा कर क्षतिपूर्त्यर्थं राज्येभ्यः अष्टमवारं 6,000 रूप्यकाणि प्रदत्तानि प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दृश्य श्रव्य संवाद तंत्र माध्यमेन भारतीयान्ताराष्ट्रिय विज्ञान महोत्सवस्य आरम्भिक सत्रं सम्बोधितम् असौ अवादीत् यत् भारतीय वैज्ञानिकैः असाधारणानुसन्धान कार्याणि सम्पादितानि नूतन कृषि विधेयकानां समर्थने 3,00,000 कृषकाणां हस्ताक्षर ज्ञापन पत्रमेकं कृषि मन्त्रिणे समर्पितम् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य संवाद तंत्र माध्यमेन शान्ति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालयस्य शताब्दी समारोहं संबोधितवान् अयि प्रिय श्रोतारः साम्प्रतिके सूचना क्रांति समये वैश्वीकरणमिति शब्दः सर्वदा समेषामपि श्रुतिपथम् आयाति वैश्वीकरणस्य प्रभावः न केवलं विश्वव्यापार क्षेत्रे एव दृश्यते प्रत्युत शिक्षायामपि दरीदृश्यते अस्मिन्नेवोपक्रमे अस्माभिः सार्धं साक्षात्काराय समुपस्थितो वर्तते संस्कृत विद्यानां समन्नायकः राष्ट्रोन्नतिः प्राचीन अर्वाचीन ज्ञान समन्वयेन एव सम्भवतीति मन्वानः भारत सर्वकारस्य शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकवर्यः
तर्हि श्रूयताम् मम सहयोगिना वाग्मिना सुनील जोशी वर्येण स्वीकृतः साक्षात्कारः। संस्कृत भाषायाः बहुमुखो विकासाय कृतसंकल्पः उत्तराखण्ड राज्ये संस्कृत भाषां द्वितीय राजभाषा रूपेण प्रतिष्ठापकः शिक्षकतः शिक्षा मंत्री पदारूढः देशस्य वरिष्ठ साहित्यकारः डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक वर्यः अद्य आकाशवाण्या सह विशिष्ट संवादाय अस्ति संयुक्तः। मान्य मंत्रीवर, स्वागतं विदधामि आकाशवाण्याः विशेष कार्यक्रमे। अहं सुनील जोशी सादरं अभिवादये अस्यां संस्कृत साप्ताहिक्यां भवन्तम्। धन्यवाद। मान्य महोदय, संस्कृत भाषा संरक्षणं संवर्धनं च प्रति भवतः अनन्य प्रेम वयं सर्वे जानीमः, परन्तु संस्कृतस्य अत्यन्तं निकषा कथम् आयातः तत्र भवान् इति रहस्यम् अस्माकं श्रोतॄणां पुरतः उद्घाट्यताम् कृपया। मुझे लगता है कि मैं ही संस्कृत के निकट नहीं हूँ। मुझे लोग जरूर समझते हैं कि मैं संस्कृत के निकट हूँ, और मुझे लगता है कि लोग मुझसे ज्यादा संस्कृत के निकट हैं। उसका कारण है कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान अनुसंधान सब कुछ भरा है। संस्कृत में देखेंगे तो जीवन मूल्य भी है, ज्ञान कथा सागर है, जीवन दर्शन है, आयुर्वेद है, योग है, जीवन की हर वो चीज है जो मनुष्य के लिए चाहिए। मेरा तो संस्कृत से लगाव होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मैं उस हिमालय से आता हूँ जहाँ वेदों का जन्म हुआ, जहाँ पुराणों का जन्म हुआ, उपनिषदों का जन्म हुआ, जहाँ आयुष वेदा आयुर्वेद का जन्म हुआ हो, जहाँ योग का जन्म हुआ हो। उन ग्रंथों से, उस भाषा से, उस विचार से लगा होना स्वाभाविक ही है। देखिए, मुझे खुशी है कि मुझे जब जब भी अवसर मिला, जब मैं उत्तर प्रदेश में पहली बार 1991 में विधायक होकर के गया था, तो भी मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस समय भी बहुत कुछ बिंदुओं को उभारा था संस्कृत के पक्ष में। जब मुझे मुख्यमंत्री के नाते कुछ काम करने का उत्तराखंड में अवसर मिला, तो फिर मैंने उस राज्य की द्वितीय राजभाषा भी संस्कृत को बनाया और बहुत सारे गांव को संस्कृत गांव घोषित किया। संस्कृत न केवल भाषा है, बल्कि संस्कृत के जो ग्रंथ है वो हमारे ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के पुंज हैं, जो पूरी मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं। इसलिए संस्कृत का निकट आना एक स्वाभाविक था। मान्य महाभाग, भवतः कुशल नेतृत्वे अद्य देशेन त्रयाणां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां अनुपमः उपहारः प्राप्तः। एतेभ्यः संस्कृत विश्वविद्यालयैः कीदृश्यः वर्तन्ते अपेक्षाः भवतः? देखिए, जो तिरुपति का जो संस्कृत वो डीम्ड विश्वविद्यालय था तिरुपति में, वो मैंने जब देखा तो उनका कंप्यूटर से लेकर के आधुनिक साइंस में जो संस्कृत और विज्ञान का अद्भुत समन्वय की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। जो पौराणिक ग्रंथ हैं और दुर्लभ ग्रंथों को भी उन्होंने अपने यहाँ बाकायदा संजोया हुआ है, तो मेरे मन में थी कि उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत का होना चाहिए। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत विद्यापीठ है, वो बहुत पुराना वो डीम्ड विश्वविद्यालय हमारा, उसको भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वो आ सकता है। और तीसरा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसकी देश के अंदर लगभग 12 शाखाएं हैं, उस संस्कृत संस्थान को भी जो डीम्ड राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था, उसको कैसे विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इस दिशा में कोशिश की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ये तीनों जो डीम्ड विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुके हैं। अब इनके अंदर जो शोध छात्र हैं, जो अध्यापक गण हैं, उनको निश्चित रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद उनको एक अच्छा सा फलक मिलेगा, और वो जो छटपटाहट है कि हाँ, विश्वगुरु भारत की जो आत्मा है वो संस्कृत रही है, उसने के अंदर जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान छिपा है, उसके आधार पर हम पूरी दुनिया में गए हैं। फेल जरूर होता है कि हम अपने पीछे के उन चीजों को नवाचार के साथ आगे बढ़ा सकें, तो मुझे आशा है ये तीनों विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करें। माननीय मंत्रीवरो, संस्कृत भाषा अद्य विश्वस्य नैकेषु देशेषु योगायुर्वेद वास्तुशास्त्रादि माध्यमैः सततम् ऊर्ध्वायते।
संस्कृतस्य समुज्ज्वलं भविष्यं कथं पश्यति भवान। मुझे लगता है कि यदि जर्मनी आज 14-14 विश्वविद्यालय संस्कृत के बना रहा है और बिल्कुल होड़ मची हुई है। आपने देखा जो छोटे छोटे वीडियोज आ रहे हैं दुनिया के ओर से, जिसमें संस्कृत में कभी ओम सेना भवतु सैनो भुनक्तु सैवीर्यं करवावे तेजस्वी नीत वस्तु मा वेद विषामय, जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो कहीं हयम निजा पर वेती गणना लघु चेत साम का पूरे विश्व को अपना प्रभाव बनाने की मुहिम चल रही है। तो कहीं उसी वेद पुराण उपनिषदों का सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय, कि धरती पर सभी लोग सुखी रहें और कोई दुखी न हो, हम सब साथ मिलकर के पुरुषार्थ करें आगे बढ़े। ये पूरे विश्व का एक वातावरण बन रहा है। मैं पीछे के समय पोलैंड था, तो जब मैंने पूछा उन्होंने कहा हमारे पोलैंड में जो वारसा यूनिवर्सिटी है वो वारसा विश्वविद्यालय में पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो ऐसे तमाम दुनिया के देशों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया में उसकी खुशबू बिखरी हुई है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो एक न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव ने जो शपथ लिया वो संस्कृत भाषा में लिया, तो इसलिए तेजी से अब पूरी दुनिया इसके निकट आ रही है। मान्यवर, उन्नताधुनिक प्रौद्योगिकी विज्ञानादि क्षेत्रेभ्य प्राचीन ज्ञान विज्ञानानुसंधानम स्वकीय योगदानम कथम प्रदातुम शक्नोति? शिक्षा मंत्रालय से क्षेत्रे अस्मिन् आयत्याम कीदृश्य योजना सन्ति प्रारूपिता विकसिताश्च? देखिए, हमारे यहाँ योग है, आज पूरी दुनिया योग के पीछे, क्योंकि मनुष्य का तन मन ठीक रखना है तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आज 25 वर्ष का नौजवान तमाम व्याधियों से गिरता नजर आ रहा है। आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पूरी मानवता के कल्याण के लिए योग की बात अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रखी तो पूरी दुनिया ने उनकी लीडरशिप में योग को स्वीकार किया। तो आज दुनिया के 197 देश 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद है, जो आयुषोः वेदः आयुर्वेदः, जो आयु का विज्ञान है। पीछे के समय जब मैं यूनेस्को में था तो यूनेस्को में दुनिया के तमाम देशों ने हमसे द्विपक्षीय वार्ता करके हमारे योग को, आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों को, जीवन दर्शन के पाठ्यक्रमों को अपने यहाँ तालमेल करके बढ़ाने की बात की कि हम भी आपकी तरह ये सब कुछ करना चाहते हैं। जब कंप्यूटर युग में हम लोग प्रवेश कर दिया है, ऐसे समय में संस्कृत की और भी महत्व बढ़ जाती है। मान्यवर, भवदीयं विचार गांभीर्यं भावत्कम अहर्निशम शैक्षिकम नवाचार प्रतिपादनम भवदीया संस्कृत निष्ठा भारतीय ज्ञान परंपरां वैश्विक पटले नेतुम भवदीया दूरदर्शिता च निश्चित रूपेण देशवासिषु गौरवं संचारयति। आकाशवाणी विशेष संवादाय समय प्रदानार्थं भवते अकैतवतया हार्दाः धन्यवादाः। धन्यवाद। आकर्णितं भवद्भिः सर्वत्र संस्कृतस्य औत्कर्ष प्रतिष्ठापन परस्य नूतन शिक्षा नीति प्रवर्तकस्य डॉक्टर निशंक वर्यस्य संभाषणम्। अये संस्कृत ज्ञान विज्ञान पिपासव श्रोतारः, अधुना चलामस्तावत् संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागं प्रति, यत्र सकल विश्वं परितः समनुष्ठितान् संस्कृत संवर्धन संरक्षण परान् कार्यक्रमान् भवतां पुरतः संपस्थापयति अस्मत् सहयोगी मित्रोत्तमः पुरुषोत्तम शर्मा। संसदा ऐषमः शीतकालिक सत्रे संस्कृत संवर्धनाय अन्यतमो निर्णयः स्वीकृतः। तिरुपतिस्थं राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठं, दिल्लीस्थं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठं, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानञ्च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं विधातुं विधेयकं लोकसभायां सर्वसम्मत्या पारितम्।
संस्कृत भाषा साहित्य क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानार्थं कोरिया देशस्य प्रोफेसर लिम गियोन डोंग भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा सद्य एव नवदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षाय विश्व संस्कृत पुरस्कारेण सभाजित। संस्कृत पत्राचार योगायुर्वेद वास्तुशास्त्र प्राच्य विद्या प्रचारे तत्पराया स्वस्तिवाचनम् इति सार्वभौमिक संस्थाया स्थापनाया दशवर्ष पूर्त्यवसरे वैश्विक स्तरे कार्यक्रम चतुष्टायोजनं विहितम्। न्यूजीलैंड देशे भारतीय मूलस्य नवनिर्वाचित संसद सदस्य डॉ गौरव शर्मा संस्कृत भाषायां शपथ ग्रहणम् अकरोत्। सूरीनाम देशस्य राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी संस्कृत भाषायां पदगोपनीयताया शपथ वचनं स्व्यकरोत्। अये सुधीय श्रोतार सम्प्रति बालमनोवल्लरीत्याख्यं प्रभागं प्रविशामो वयम्। तर्हि अविलम्बमेव प्रस्तूयते अमुनैव जनेन प्रणीतायाः जननीत्याख्यायाः सुमधुरायाः बालकवितायाः स्वरलयतालपूर्वकं गानं दिल्ल्याः गंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थस्य बालभारती पब्लिक स्कूल विद्यालयस्य अष्टमी कक्षायाः भारवी नायक कलिता इत्यनया छात्रया। मम कष्टशतं विनिवारयति परिधाननवं परिधापयति शिरसि स्वकरेण सुलालयति जननी सकलं मम साधयति शैते मयि गायति तद्रुचिरम् अरुच कुरुते मम तद्रुचितम् मम चित्त सुखाय तया सततम् न कदापि निजं सुखमाकलितम् मधुरं मम गायति स्वापयति मम दोषगणाश्च निवारयति कुपितापि च मां नहि ताडयति मृदुकोपगिरा किल तर्जयति समये पचतीह शुभो जयति हिमशीत जलं खलु पाययति वचसापि भृशं परितोषयति जननी नितरां मम शिक्षयति। रसिक श्रोतारः सम्प्रति विविध भाषा विभूषिते अस्माकं राष्ट्रे संस्कृत भाषायाः भाष्यमाण स्वरूपं पुनः स्थापयितुम् अखिल भारतीय भाषा बोध पिपासाञ्च समयितुम् अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः सविशेषं संस्कृत हिन्दी कुमाऊनी चेति भाषात्रय्याः पञ्च सरल वाक्यानि प्रस्तौति। प्रथमं वाक्यमस्ति दिसंबर मासस्य पंचविंशे दिने क्रिसमस पर्व परिपाल्यते। पहला वाक्य है 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। कुमाऊनी में दिसंबर महीनक 25 तारीख क्रिसमस मनाई जांच। द्वितीयम वाक्यम अस्ति इदम पर्व क्रैस्त मतावलंबिनाम प्रमुखम पर्व विद्यते। दूसरा वाक्य है यह पर्व ईसाई मतावलंबियों का प्रमुख पर्व है। कुमाऊनी में यह त्योहार ईसाई धर्म वाक मैन त्योहार छु। तृतीयम वाक्यम अस्ति दिसंबर मासस्य पंचविंशे दिनांके पंडित मदन मोहन मालवीय वर्यस्य जन्म जयंती अपि विद्यते। तीसरा वाक्य है 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती मनाई जाती है। कुमाऊनी में 25 तारीख हुणी पंडित मदन मोहन मालवीय जी जन्मदिन ले होच। चतुर्थम वाक्यम अस्ति मदन मोहन मालवीय महान शिक्षाविद आसीत। चौथा वाक्य है मदन मोहन मालवीय महान शिक्षाविद थे। कुमाऊनी में मालवीय जी भौते थुल्व शिक्षाविद छी। पंचमं वाक्यम अस्ति असौ काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापना अकरोत। पांचवा वाक्य है उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमाऊनी में उनुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना कैच। अयि प्रियांशः श्रोतारः सम्प्रति कार्यक्रमस्य आन्वीक्षिकी प्रभागं प्राप्ताः वयम्। प्रभागेत्र सप्ताहेस्मिन् पूर्वसमये घटिता अविस्मरणीयाः घटनाः स्मार्यन्ते। दिसम्बर 22 महतो गणितज्ञस्य श्रीनिवास रामानुजन वर्यस्य जन्मदिवसो भवति। दिसम्बर 23 सामाजिक परिवर्तनस्य अग्रदूतस्य स्वामिनः श्रद्धानन्दस्य बलिदान दिवसः परिपाल्यते। दिसंबर 25 महतः संस्कृतज्ञस्य शिक्षा कोविदस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापकस्य पंचमकार मण्डितस्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्मदिवसः आमान्यते।
प्रिय संस्कृत साप्ताहिकी श्रोतारः, सम्प्रति कार्यक्रमस्य अवसान कालः सञ्जातोऽस्ति। प्रिय श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रम विषये निजानुभवान्, परामर्शान्, प्रतिक्रियाः च ईमेल माध्यमेन अस्मान् प्रेषयितुम् अर्हिष्यन्ति। अस्माकम् ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी sanskritsaptahiki@gmail.com। आगामी शनि रविवासरयोः अस्मिन्नेव समये FM गोल्ड समाचार वाहिन्यां पुनः भवतां पुरतः विशिष्ट कार्यक्रमेण सार्धं समुपस्थास्यामः। नमो नमस्ते।